गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे तो कैसे हैं सभी बच्चे आपको पता है मॉर्निंग में हमारी क्लास शुरू होती है किसकी जनरल साइंस बायोलॉजी एनडीए फेज वन 2024 की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं और आपको पता है कि हमने टॉपिक उठाया हुआ है सेल बायोलॉजी रोज जो बच्चे हमारे साथ लगातार है, जुड़ते हैं थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने की वजह से एक दो क्लासेस बीच में ऐसे स्किप हो जाती है क्योंकि टेक्निकल इश्यूज है आपकी भी हेल्थ डिस्टर्ब होती है हमारे जो सिस्टम्स है उनकी भी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है सुबह से शाम तक इतनी क्लासेस लगती है आप सभी जानते चलिए तो हम आज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कल हमने क्या पढ़ा था कल हमने सेल बायोलॉजी में काफी सारी चीजें पढ़ी थी हमने स्टार्ट में पूरी सेल बायोलॉजी को या फिर आप कहोगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था पहला था सेल वॉल दूसरा था उसमें सेल मेम्ब्रेन तीसरा प्रोटोप्लाज्म और चौथा सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली जीव द्रव्य और आखिर में आते हैं आपके कोशिका अंग हमने बात करी थी यू कैरियोटिक सेल की प्रोकैरियोटिक सेल हम समझ चुके हैं कि इन चारों में से प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है स्ट्रक्चर बनाया था मैंने उसमें आपको बताया था सेल वॉल होती है उनके पास प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं आपके बैक्टीरिया बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है प्रोटोप्लाज्म भी होता है और उसके अंदर इकलौता एक कोशिका अंग पाया जाता है वो भी कैसा होता है झिल्ली बाध्य नहीं होता है यानी कि उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं लगी होती है इतनी बात हमने की थी फिर हमने यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट की थी और यूकैरियोटिक सेल में हमने बात की थी स्टार्टिंग से किसकी सेल वॉल की

आपके जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं इन चारों के बेसिस पर प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या अंतर आता है हमने सबसे पहले सेल वॉल देखी थी जब हमने सेल वॉल देखी थी तो आपने मुझे बोला था कि मैम प्लांट्स क्योंकि हम डिफरेंस पढ़ चुके हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में तो आपने बोला था कि मैम जो प्लांट सेल्स होती हैं इनके पास क्या होती है सेल वॉल होती है जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है आपने इतनी बात मुझे बता दी थी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने मुझे दूसरी बात बताई थी सेल वॉल के बारे में ही जब हम पढ़ रहे थे तो आप हमने जाना था कि सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिकाओं पर ही नहीं होती है बल्कि बैक्टीरिया और फंजाई के पास भी पाई जाती है अगर आपको याद होगा तो वॉल के बारे में जब हमने बातें की थी ठीक है सपोज ये सबसे बाहर वाली लेयर है है ना ये क्या है एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल के पास सबसे बाहर ये क्या है सेल वॉल आपने बोला मैम सेल वॉल होती है मैंने भी माना कि सेल वॉल होती है ठीक है ये है सेल वॉल और ये क्या है ये एक पादप कोशिका थी हम इसके आगे का पढ़ेंगे ये एक प्लांट सेल है पादप कोशिका और ये कैसी है एक एनिमल सेल है जंतु कोशिका है और अगर हम इसमें अंतर की बात करें तो इसके पास सेल वॉल है इसके पास नहीं है वॉल और सेल वॉल की हमने सारी कहानी समझ ली थी कि इनकी जो सेल वॉल होती है तब कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ती होती है वो किसकी बनी होती है आपके सेल्यूलोज की एनिमल में या ह्यूमन में या किसी भी एनिमल का नाम ले लें इनके पास कभी भी सेल वॉल नहीं होगी कभी भी इनकी कोशिकाओं की हमारी कोशिकाओं के ऊपर वॉल नहीं होती है ठीक है अब हमने बोला है, सेल वॉल पादप कोशिकाओं के अलावा फंजाई यानी कि फंगस फफून जिसे आप कवक कहते हो उसकी पास भी कोशिका भित्ति होती है और उसकी कोशिका भित्ति भी बनी होती है किसकी काइटेन की दूसरी हम बात करें अगर बैक्टीरिया की बैक्टीरिया के पास भी क्या है बैक्टीरिया की सेल के पास भी चारों ओर क्या है ये कोशिका भित्ति है वॉल है उनकी वॉल किसकी बनी हुई है आप बताओगे क्या मैम पैप्टीडोग्लाइकेन ठीक है इन तीन जगहों पर सेल वॉल पाई जाती है अब सेल वॉल के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा स्ट्रक्चर आता है आपका किस चीज का सेल मेम्ब्रेन अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा ये और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है सेल मेम्ब्रेन अब सेल मेम्ब्रेन हम यहां पर हेडिंग डालते हैं क्योंकि हम सेल वॉल तो पूरा पढ़ ही चुके हैं अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो आप मुझे बोलोगे कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं क्या कहते हो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। और इसको क्या कहा जाता है अभी आप बोलोगे कि मैम सेल मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो नोन एज ये भी सबको याद रखना है और भी नाम होते हैं इसके इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा membrane. सेल membrane क्यों कह रहे हैं क्योंकि कोशिका की लेयर है कोशिका की है मेम्ब्रेन इसीलिए सेल मेम्ब्रेन कह दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो, है, है जो, भरा जो, भरा जो भरा हुआ है वो है प्रोटोप्लाज्म लिक्विड जो भरा हुआ है फ्लूड जो भरा हुआ है तरल पदार्थ जो भरा हुआ है वो है प्रोटोप्लाज्म ठीक है इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरा इसका नाम और क्या होता है इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा ठीक है ये आपको सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा ये सारे इसके नाम होते हैं ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और क्या खास बात है आपने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दुनिया की सभी कोशिकाओं पर होगी यानी कि मैं बोल सकती हूं ऑल लिविंग सेल्स एनी प्रॉब्लम सभी कोशिकाओं के ऊपर क्या मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सभी कोशिकाएं चाहे बैक्टीरिया हो इंसान हो कोई भी जंतु हो कोई भी पादप हो कोई भी बैक्टीरिया हो कोई भी वायरस हो अंतर कहां पर था कोशिका भित्ति सेल वॉल में अंतर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंतर नहीं है किसी भी तरीके का अब तीसरी बात अगर हम बात करें अगर मैं आपसे इसमें देखते हुए पूछू पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देखते हुए पूछू चलो हाँ कोशिका झिल्ली सभी जगह होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी जगह होगी लेकिन क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये पादप कोशिकाओं में प्लांट सेल में दूसरे नंबर की मेम्ब्रेन है मैं बोल सकती कि पहली तो कौन सी है यहां पर सेल वॉल लेकिन मैं जंतु कोशिका की अगर बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि एनिमल सेल में सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन कौन सी है सेल क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं है तो मैं यहां पर लिख सकती हूं कि प्लाज्मा मेंब्रेन इज अ सेकंड लेयर इन प्लांट सेल ठीक है इस सेकेंड इन प्लांट सेल पादप कोशिकाओं में दूसरी लेयर होती है अगर हम तीसरी बात करें क्या लेकिन जंतु कोशिकाओं में एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली लेयर है तो मैं बोल सकती हूं इन एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज द आउटर मोस्ट लेर क्लियर एनी प्रॉब्लम नो प्रम यहां तक प्लाज्मा मैमब्रेन के बारे में ठीक है चलो अब हमने बात कर ली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अब हम देखेंगे किसकी बात क्योंकि हम सेल बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है ना हम स्ट्रक्चर आगे बात करें यहां से आगे अब हम बात करते हैं क्योंकि हम सेल बायोलॉजी में कोशिका के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की बात करेंगे तो अगर मैं यहां पर स्ट्रक्चर हेडिंग डाल दू स्ट्रक्चर ठीक है बच्चों स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहे हैं हम इस कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं अब अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी मैम डायग्राम समझा दीजिए आप डायग्राम है तो कोशिका झिल्ली का ये डायग्राम होता है आपको जो जो ये गोल गोल दिखाई दे रही थी थी मैंने यहाँ पर बना रखी थी, इस तो ऐसी का काट काटेंगे काट तो, काट तो इतने सारे गचड़ पचड़ है अब ये गचड़ पचड़ क्या है परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है सारी बातें समझेंगे पहली बात तो ये देखो ये जो कोशिका झिल्ली है आपकी सेल मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस कितनी है मोटाई कितनी है कितनी मोटी होती है ये देखो यहाँ पर कितनी मोटी लिखी है मैंने फाइव टू टेन नैनोमीटर फाइव टू टेन नैनोमीटर इज द थिकनेस ऑफ थिकनेस थिकनेस मोटाई कितनी है मोटापा इसका फाइव टू टेन नैनोमीटर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में आप एक बात लिख सकते हैं कि थिकनेस ऑफ प्लाज्मा इज कितनी है इनकी थिकनेस द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू टू फाइव नैनोमीटर समझ में आ गया द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा यानी कि ये जो मोटापा दिखाई देता है हमको ये जो मैं लेयर दिखा रही हूं, ये मोटापा कितना है इनका टू टू हुआ है एग्जाम में ठीक है अब हम बात करते हैं कॉम्पोनेट्स की स्ट्रक्चर में ही हम बात करेंगे कॉम्पोनेट ऑफ प्लाज्मा मेम्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है हमने जब कोशिका भित्ति पढ़ी थी तो क्या बोला था कि कोशिका भित्ति बनी हुई है एक पदार्थ की जिसे हम बोलते हैं सेल्यूलोस पादप कोशिकाएं बनी होती हैं सेल्यूलोस की फंजाई की जो कोशिकाएं बनी होती हैं वो बनी होती हैं काइटिन की और आप आखिर में क्या बोलते हो कि बैक्टीरिया की जो कोशिका वो, कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की ये हो गई कोशिका भित्ति की बात अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो दुनिया में जितनी भी को सभी कोशिक सभी सभी जितने भी आप लिविंग सेल्स देख रहे हो जितनी भी अः क्या कहते हैं जीवित कोशिकाएं देखते हो उन सभी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उन सभी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज़ की बनी होगी सभी के पास एक ही तरह का कॉम्पोजिशन है एक ही तरीके की चीज़ें हैं ठीक है थीके? अब हम बात कर रहे हैं उन कॉम्पोनेंट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाते हैं जैसे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें वापस अगर आए हैं स्ट्रक्चर पर ठीक है तो मैम आपने बता दिया है कि इनका जो थिकनेस होती है वो फाइव टू टेन नैनोमीटर होती है अब बात करते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर की ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका नाम क्या है भैया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पाया जाता है तो आप देखोगे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये अच्छा ये जो पहले से लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं और आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है ये फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड ठीक है ऐसे मानो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे दो और दो पतली पतली लेयर हैं किस चीज की है जैसे सैंडविच नहीं खाते हैं सैंडविच सैंडविच में एक बर्गर ऊपर होता है एक बन ऊपर होता है एक बन नीचे होता है तो मानो ये दोनों क्या है फॉस्फोलिपिड की लेयर है कौन सी है यहां पर देखने से क्या लग रहा है ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कॉम्बीज टाइप के एलियन टाइप के ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये है फॉस्फोलिपिड तो आप क्या बोल रहे हो मैम कि फॉस्फोलिपिड की एक लेयर तो ये हो गई है ठीक है दूसरा कलर लेते हैं जो विजिबल होगा और दूसरी लेयर ये नीचे की तरफ लगी हुई है बोलोगे कि नहीं बोलोगे तो यानी कि ये दो बन हो गए हैं फॉस्फोलिपिड के ठीक है तो एक कॉम्पोनेंट हो गया फॉस्फोलिपिड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है लिपिड की तो लिपिड लिखा है तो लिपिड पर टिक लगा दो फॉस्फोलिपिड लिखा हुआ है तो फॉस्फोलिपिड पर टिक लगा दो ठीक है तो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर प्रोटीन्स की ऐसे समझ लो ये और ये ये क्या है ये प्रोटीन है दूसरा होता है यहाँ पर प्रोटीन पहला था लिपिड दूसरी चीज यहाँ पर क्या मौजूद है प्रोटीन ठीक है अब ऐसे मान लो बन में बाहर की तरफ किसी ने चिपका दिए हैं चारों और तो मान लो ऐसे वो उसमें क्या डालते हैं ब्रोकली डालते हैं है, है ना लेट्यूस डालते हैं तो एक काम करो बर्गर में चारों ओर उन्होंने पत्ते चिपका दिए हैं ठीक है और कुछ पत्ते उन्होंने बर्गर के अंदर भर दिए हैं ऐसे प्रोटीन मान लो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की ये दो लेयर है ठीक है वो सॉरी जो आपकी मैमब्रेन है वो क्या है फॉस्फोलिपिड की दो लेयर है उसके चारों ओर चारों ओर क्या चुपका दिया है प्रोटीन चुपका दिए और कुछ प्रोटीन उसके अंदर भर दिया है समझ में आ गया तो क्या हुआ प्रोटीन इस फॉस्फोलिपिड की लेयर के अंदर भी भरी हुई है और बाहर भी भरी हुई है तो दूसरा कॉम्पोनेंट होता है प्रोटीन तो वो प्रोटीन जो इसके अंदर धसी हुई है देखो ये रही ये अंदर की तरफ इस तरह से धसी हुई है है ना ये अंदर की तरफ धसी हुई है ये अंदर की तरफ धसी हुई है तो प्रोटीन भी दो तरह की हो गई है एक तो वो जो अंदर की तरफ लगी रहे फॉस्फोलिपिड लेयर में और एक ये देखो बाहर की तरफ इनको चुपका दो आप बाहर एकदम बाहर हल्के से चुपका दो ऐसे मैं यहां पर कुछ चुपका दूं और अंदर की तरफ कोई कट लगा दूं तो एक अंदर हो गया एक बाहर हो गया तो बाहर की तरफ जो प्रोटीन चुपकी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन या फिर पेरीफेरल मैमब्रेन प्रोटीन ये रही और इसका दूसरा नाम है एक्सट्रेंसिक और दूसरा नाम होता है पीएमपी एम पी पेरीफेरल पेरीफेरल मतलब जो चारों ओर चुपकी रहे अंदर की तरफ नहीं जो अंदर की तरफ धंसी हुई है इसका नाम क्या है इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंट्रेंसिक प्रोटीन एक ही बात है इसका मतलब ही होता है अंदर जो होगा आप प्रोटीन कितने तरह की हो गई है मैम दो तरह की प्रोटीन हो गई है कौन कौन सी एक तो इंट्रेंसिक प्रोटीन जो अंदर की तरफ धंसी रहती है और एक पेरिफेरल प्रोटीन एक्सट्रेंसिक प्रोटीन जो एग्जिट पर है चारों ओर चुपकी हुई है बाहर की तरफ चिपकी हुई दो तो कंपोनेंट समझ में आ गए मैम पहला था फॉस्फोलिपिड कितनी लेयर होती है इसकी दो लेयर होती है आप सभी बोलोगे ऐसे बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फो बायपिड लेयर यानी कि दो मेम्ब्रेन होती हैं फॉस्फोलिपिड की और इस फॉस्फोलिपिड के पास क्या चिपका हुआ है प्रोटीन चिपकी हुई है जो बाहर की तरफ चिपकी हुई है इसको हमने बोला है पेरिफेरल प्रोटीन जो अंदर की तरफ धसी हुई है प्रोटीन उनको हमने क्या बोला है इंटीग्रल प्रोटीन कोई दिक्कत नहीं है अब तीसरे कॉम्पोनेंट की तरफ आते हैं अगर हम तीसरे कॉम्पोनेंट की बात करें तो आप यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये ये ऐसे दाने 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 ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है ये है कोलेस्ट्रॉल ठीक है ये है कोलेस्ट्रॉल सॉरी कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं हम जिसको एक ही बात है एक ही बात है ठीक है कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं अगर मैं मेजरली बात करूं मैंने आपको पोषण पढ़ाया हुआ है प्रोटीन सॉरी मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया हुआ है न्यूट्रिशन में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन अमाइनो एसिड्स विटामिन मिनरल सब पढ़ाया हुआ है ठीक है तो अगर मैं कोलेस्ट्रॉल बोल रही हूँ या फिर कार्बोहाइड्रेट बोल रही हूँ या लिपिड बोल रही हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए अब तीसरा मेन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट यहाँ पर है मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर लगा हुआ है ठीक है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल मिलेगा आपको कोई दिक्कत नहीं है दो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे दो कॉम्पोनेंट हैं वो है फॉस्फो लेयर और दूसरा प्रोटीन ठीक है तो अगर मैं कॉम्पोनेंट्स की बात करूँ यहां पर तो हम हम कॉम्पोनेंट्स ही पढ़ रहे हैं ना तो कॉम्पोनेंट्स की अगर हम बात करें तो मैं यहां पर कह सकती हूं कि हमने तीन अलग अलग कॉम्पोनेंट्स देखे पहला कॉम्पोनेंट क्या है आपका आप बोलोगे मैम सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फॉस्फोलिपिड ठीक है क्या है फॉस्फोलिपिड आप बोलोगे कितनी लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की मैम दो लेयर होती हैं टू लेयर ठीक है कैसा दिखता है मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देता है इस मॉलिक्यूल को भी अभी हम समझेंगे फॉस्फोलिपिड के को दूसरा कॉम्पोनेंट आपने क्या पढ़ा मैम दूसरा कॉम्पोनेंट होता है प्रोटीन प्रोटीन कहाँ पर लगी होती है आप बोलोगे कि मैम जो प्रोटीन होती है वो दो तरीके की होती है एक जो बाहर की तरफ फॉस्फोलिपिड की लेयर पर चुपकी रहे बाहर की तरफ इसको हम क्या बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन और जो अंदर की तरफ लगी होती है उसे हम क्या बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या इसको ही पेरीफेरी पर जो होता है यानी कि बाहर की तरफ जो होता है इसको ही हम क्या बोल देते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन नाम से ही समझ में आ रहा है आपको और जो अंदर की तरफ होगा इनर साइड में होगा उसे हम क्या बोल देंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन सिंपल सी बात है है ना प्रोटीन हो गई तीसरा कॉम्पोनेंट क्या था अभी आप बोलोगे मैम तीसरा कॉम्पोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट ठीक है जो फॉस्फोलिपिड लेयर में कहीं 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 देखने को मिलेगा हमें कार्बोहाइड्रेट कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है तीन कॉम्पोनेंट हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पर हम थोड़ा सा एडिटिंग कर देते हैं यहां पर हमें लिखना है इट्स नॉट टू टू फाइव इट इज फाइव टू टेन नेनोमीटर एंड इट इज इम्पॉर्टेंट ठीक है ये इम्पोर्टेंट होता है कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को नहीं है तो जल्दी बताइए अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं इतना नोट डाउन कर लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अभी इतनी बात है कुछ और बातें भी करेंगे हम कि फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है क्यों ये हर एक कोशिका के ऊपर है ऐसी कोशिका जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं है तो वहाँ पर कोशिका भित्ति का काम कौन करेगा ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर समझा है किसका कोशिका झिल्ली का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का चलिए आगे बात करें हम यहां तक क्लियर हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो आगे की तरफ हम देखते हैं अब हमने क्या देखा आप बोलोगे मैम जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल थे वो कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे थे है ना फॉस्फोलिपिड के ऐसे हजारों मॉलिक्यूल लगे हुए थे वन था हम ना फॉस्फोलिपिड उसमें से एक मैंने फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल उठाया एक उठाया तो आपको सबसे पहले बात पता होनी चाहिए कि ये जो पोर्शन होता है ऊपर गोल गोल जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं हेड और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं टेल कोई दिक्कत हमारे पास भी तो हेड है हमारे पास भी तो दो पैर हैं हेड एंड टेल समझ में आया अब नेचर समझेंगे ये जो हेड होता है हेड जो होता है इसका अपना एक नेचर है और उस नेचर को हम क्या बोलते हैं कि हेड इज ऑलवेज हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक होता है फिलिक का मतलब होता है फाइल फाइल आप इतना नाम सुनते हो हाइड्रोफाइल सोलेनोफाइल मतलब किसी भी चीज को पसंद करते हो उसके पीछे फाइल लगा देते हो है ना जो चांद को देखना पसंद करते हैं वो अपने आप को कहते हैं हम सोलेनोफाइल है ठीक है तो फाइल का मतलब क्या होता है लविंग और हाइड्रो मतलब क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं वाटर है ना तो यानी कि जो हेड है इट इज वाटर लविंग कॉम्पोनेंट ये प्यार सॉरी पानी से प्यार करता है पानी को अट्रैक्ट करेगा अपने अंदर ये जो टेल होती है इसका नेचर जस्ट ऑपोजिट होता है और उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल इज ऑलवेज हाइड्रोफोबिक वट इज फोबिक फोबिया मीन्स डर लगना हाइड्रोमीस वॉटर तो ये हमेशा पानी से दूर भागेगा या पानी को अपने से दूर करेगा ठीक है तो मैं यहां पर लिख सकती हूँ वॉटर रिपेल ये क्या करता है पानी से दूर भागता है या पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देता या पानी को अपने से दूर कर देता है तो ये जो दो तो नेचर होता है एक ही मॉलिक्यूल के दो तो अलग अलग नेचर है ठीक है कुछ हिस्सा उसका पानी को अट्रैक्ट कर रहा है कुछ हिस्सा उसका पानी से दूर भाग रहा है इस तरह के इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाईपोलर मॉलिक्यूल यहां पर अगर मैं इसका नाम लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ इट्स अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल और ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है आप बोलोगे मैम ये बाईपोलर होते हैं इट्स अ बाईपोलर मॉलिक्यूल हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड इज वॉटर लविंग द टेल इज़ रिपेलिंग, पानी से दूर भागने वाला molecule. ये स्ट्रक्चर समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए एक और हम खास बात यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं अभी आपने बोल दिया कि मैम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें क्या क्या होता है फॉस्फोलिपिड होता है दो लेयर होती हैं फॉस्फोलिपिड की ये जो मॉलिक्यूल मैंने बताया है दूसरा इसके पास प्रोटीन होती है और तीसरा इसके पास कार्बोहाइड्रेट होता है इंपॉर्टेंट हमने बात कर ली अब ये जो बातें बताई गई थी ना ये एक साइंटिस्ट ने बताई थी उन साइंटिस्ट ने एक आ, कह सकते हैं हम मॉडल दिया मॉडल ठीक है इस बात को बता जैसे आप स्कूल में नहीं जाते हो या आप बचपन में जाते तो एक मॉडल तैयार करके नहीं ले जाते थे उन्होंने बोल दिया कि मैम ने बोला कि एंशियंट हिस्ट्री पहले जो मैन थे जो एंशियंट मैन थे उनका एक मॉडल बना के लाओ तो आप छोटा मैन बनाते थे चार पैर पर चलने वाला फिर एक बड़े पैर पर फिर ब... ऐसे मॉडल बनाते थे ना ऐसे ही इन साइंटिस्ट ने एक मॉडल तैयार किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने का ठीक है उस मॉडल को बोलते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस मॉडल का नाम है फ्लू मोजेक मॉडल ठीक है इसका नाम क्या है फ्लूड मोजेक मॉडल सबसे पहली बात कि ये मॉडल दिया किसने था फ्लूड मॉजेक मॉडल इट वाज गिवन बाय दो साइंटिस्ट जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन क्या नाम था इनका सिंगर एंड निकोलसन ठीक है अब फ्लूड मॉजिक मॉडल कब दिया गया था इन 1972 ठीक है कब किस लिए दिया गया था क्यों दिया गया था टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टू एक्सप्लेन द फॉस्फो बाई लिपिड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपसे पूछेगा कोशिका भित्ति का स्ट्रक्चर समझाने के लिए कोशिका झिल्ली समझाने के संरचना समझाने के लिए या जीव द्रव्य की संरचना समझाने के लिए प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए या फिर कोशिका अंग के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए क्या दिया गया था ये मॉडल दिया गया था जिसका नाम है फ्लूइड मॉजक मॉडल ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बत, बारे में बताया वो सारी बातें इन्होंने कही थी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ तीन कॉम्पोनेंट हमने पढ़े थे सबसे पहला क्या फॉस्फो लिपिड कितनी लेयर थी दो लेयर थी दूसरा प्रोटीन दो प्रोटीन थी एक अंदर और एक बाहर इंटीग्रल और पेरिफेरल, और तीसरा इसमें क्या था कार्बोहाइड्रेट इसे हम क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लूइड मोजेक मॉडल एंड फ्लूइड मोजेक मॉडल वाज़ गिवन बाय साइंटिस्ट नेम इज सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन कब दिया था 1972 में दिया था किस लिए दिया था यह समझाने के लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली बनी होती है तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स की जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट यहां तक क्लियर है कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है तो आगे बताइए हम आगे बढ़ते हैं ठीक है ये पूरा हो गया है इस स्ट्रक्चर के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम स्ट्रक्चर के बाद बात करें इसके फंक्शन की चलिए अब हम बात करते हैं इसके काम की इसका आखिर काम क्या है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आखिरकार का काम क्या है जैसे हमने कोशिका भित्ति की बात की थी और कोशिका भित्ति में हमने बताया था कि ये बाहर से, से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है ये जो कोशिका भित्ति है आपकी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है लेकिन हमारे पास तो कोशिका भित्ती है नहीं है तो हमारी कोशिकाओं को कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा ऑब्वियसली बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड कराएगी प्रोटेक्शन जो भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन चाहिए वो प्लाज्मा प्रोवाइड करेगी लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कोशिका भित्ति के बारे में कि वो कैसी होती है फ्रीली परमिएबल होती है वो किसी को भी आने देगी किसी को भी जाने देगी अपने अंदर से है ना किसी को भी मतलब ऐसे मानो आपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं अब चोर चौक चाह भी घर में आ रहा है घर के रिश्तेदार भी घर में आ रहे हैं कोई मतलब नहीं है किसी ऐसी होती है क्या कोशिका भित्ति। लेकिन जब हम कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली के बारे में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि कोशिका झिल्ली बनी होती कोशिका झिल्ली का जो नेचर है वो नेचर है इसका कैसा सेमी परमीएबल और सिलेक्टिवली परमीएबल कैसा नेचर है कोशिका झिल्ली का अगर मैं यहां पर लिखूँ नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसका नेचर होता है दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी यानी कि आधी सेमी परमीएबल या फिर आप कह सकते हो सिलेक्टिवली परमीएबल अब इसका मतलब क्या होता है मैम सवाल आपसे ये आएगा इसका मतलब ये होता है कि ये अपने अंदर सभी को आने नहीं देगी इसने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि मैं कुछ ही चीज़ों को आने दूंगी और कुछ को नहीं आने दूंगी <coughs> आधी चीज़ों को आने दे रही है आधी को नहीं आने दे रही है तो क्या हुआ सेमी आधा ठीक है सेमी परमिएबल हो गई लेकिन उसने सिलेक्ट कर ली है कि मैं अपने अंदर सोडियम ही आने दूंगी वाटर ही आने दूंगी पोटेशियम ही आने दूंगी सिलेक्ट कर लिया उसने मॉलिक्यूल इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल ठीक है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है सेलेक्टिवली परमिल जैसे आपके बाहर का मेन दरवाजा तो खुला हुआ है घर का लेकिन आपने अपने कमरों के दरवाजे बंद कर रखे हैं अब आप इनको उन्हीं के लिए खोलोगे जिन लोगों को आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है कि हाँ तू आ जा तू आ जा नहीं तू नहीं आ सकता वरना गड़बड़ हो जाएगी इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है सेमी परमिएबल होती है ठीक है जो चीजें सेल के लिए जरूरी है सिर्फ उनको ही आने देगी सेल के अंदर कुछ ज्यादा हो गया है जो नहीं होना चाहिए वो भी आ गया है तो उसको बाहर निकाल देगी ये काम होता है किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है अब सेल आपको पता प्लाज्मा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ तो भरा ही होगा आपको पता है यहां पर कुछ ना कुछ तो भरा होगा चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो यहाँ कुछ ना कुछ तो भरा ही होता है है ना अब अंदर जो भरा हुआ है उस और जो बाहर है इस कोशिका के इन दोनों के बीच में एक तरह से क्या कर रही है बैरियर का, का काम करती है जब बच्चा कोई गलती करता है और पापा उसको डांटने आते हैं तो मम्मी क्या करती है बैरियर का काम करती है नहीं 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 मेरे बेटे को कुछ नहीं बोलोगे तो पापा वहां खड़े हैं बेटा पीछे खड़ा हुआ है और बीच में मम्मी खड़ी हुई है मम्मी ने क्या कर दिया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दिया पापा बच्चे को पापा से और पापा को बच्चे से ऐसे ही इसने क्या किया सेल मेमरी ने क्या किया बीच में बैरियर बना लिया नहीं ना बाहर से कोई अंदर जाएगा ना अंदर से कोई बाहर आएगा मेरी परमिशन के बिना ठीक है तो क्या करती है ये ये अंदर वाले मॉलिक्यूल को बाहर वाले मॉलिक्यूल से अलग करके रखती है ठीक है ये काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्योंकि कोशे का ने तो सबको यहाँ पे आने दिया सबको आने दिया है अब यहाँ से अंदर कौन जाएगा और यहाँ से कौन बाहर आएगा बीच में कौन खड़ा है प्लाज्मा खड़ी हुई क्लियर है यहाँ तक तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जब कंप्लीट होता है तो हम क्या पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं आप तीसरी चीज पढ़ोगे जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म क्या होता है किसने खोज की थी को प्रोटोप्लाज्म को भौतिक इकाई क्यों कहा जाता है कोशिका कोशिका की ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे को प्रोटोप्लाज्म को भी हमने दो अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया है उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद कोशिका अंग एक एक करके कोशिका अंग पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं चलिए यहां तक क्लियर है कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में उसके बारे में कुछ खास बातें ये स्ट्रक्चर जो है ये मॉलिक्यूल आपको याद रखना है हेड कैसा होता है हाइड्रोफिलिक होता है हाइड्रोफोबिक नहीं होता है सर पानी से प्यार करता है लेकिन पैर नहीं करते ठीक है इस तरह से याद रखेंगे चीजों को तो चीजें आसानी से याद रहेंगी आपको चलिए क्लास को यही खत्म करते हैं आगे कल मैं आपको बताऊंगी प्रोटोप्लाज्म के बारे में जीव द्रव्य के बारे में हम कुछ बातें समझेंगे वहां पर दो तीन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर सिर्फ एक ही साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है सिंगर एंड निकोल यानी कि ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे लेकिन आपको एक ही याद रखना है सिंगर एंड निकोलसन हैज गिवन फ्लूड मॉज्रिक मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द ईयर नाइनटीन चलिए यहाँ तक क्लास को खत्म करते हैं कल आपसे मिलेंगे फिर से हम फिर से आगे की क्लास को पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए तब तक अपना ध्यान रखें अच्छा खाना पीना खाइए जय हिंद जय भारत